नंबर एकल वन वट आर द वेव लेंस ऑफ अ टेलीविजन स्टेशन ये एक टेलीविजन स्टेशन है और ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है इसकी वेव का कहा जा रहा है कि विच ट्रांसमिट्स विजन ऑन 500 हंड्रेड मेगा हर्ज एंड साउंड ऑन फाइव हंड्रेड एंड फाइव मेगा हर्ट टेक अ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव एस थ्री इंटू टॉर एट मीटर पर सेकेंड जिसको स्पीड ऑफ साउंड को तो वैसे हम लोग वी कहते हैं ये सी से डिटर होते हैं आपने सुना होगा ना कि तस्वीर आ रही है आवाज़ नहीं आ रही तो वो इसी वजह से होता है कि जो ब्रॉडकास्ट स्टेशन होते हैं टेलीविज़न के वो वीडियो को या विजन को एक फ्रिक्वेंसी पर सेंड करते हैं और ऑडियो को दूसरी पे फिलहाल हम गिवन लिख लेते हैं विजन फ्रिक्वेंसी एफ वन फाइव हंड्रेड मेगा हर्ट्स जिसको फाइव हंड्रेड इंटू टेन पार सिक्स हर्ट्स कर लेते हैं मेगा की जगह टेन एस पार सिक्स लिखा साउंड फ्रिक्वेंसी को एफ टू कहते हैं फाइव हंड्रेड फाइव मेगा यानी फाइव हंड्रेड एंड फाइव मल्टीप्लाई सिक्स हर्ट्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव सी इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन एट मीटर पर सेकेंड विजन की वेवलेंथ को हम लेमडा वन कह देते हैं और साउंड की वेवलेंथ को लेडा टू अब सोलूशन की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले v इज इक्ल टू एफ लेमडा मशहूर ज़माना साउंड या वेव इक्वेशन है कि v इज वल टू स्पीड ऑफ साउंड होती है तो जब अगर हमारे पास v की जगह c है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडिएशन के लिए तो लमडा इज़ इक्ल टू वी ओ एफ क्या हो जाएगा फिर लमडा इज इक्ल टू सी ओ एफ़ सी भी हमें मालूम है और एफ भी एफ भी मालूम है दोनों फ्रीक्वेंसी इसके लिए तो लेमडा वन निकाल लेते हैं सी डिवाइड बाई एफ वन वैल्यू डालेंगे थ्री इंटू टेन्स पावर एट डिवाइड बाई फाइव हंड्रेड इंटू टेन पावर सिक्स कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आ जाएगी पॉइंट सिक्स मीटर मीटर्स में बहुत ज्यादा इसको सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं वे लेंथ को तो ये हो जाएगी सिक्सटी सेंटीमीटर लेमडा टू इज ईक्ल टू सी डिवाइड बाई एफ टू इज इक्ल टू थ्री मट्टीप्लाई बाई ट एट डिवाइड बाई फाइव हंड्रेड एंड फाइव इंटू टिक्स इसको कैलकुलेट किया तो ये आ पॉइंट फाइव नाइन फोर मीटर सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं फिफ्टी नाइन पॉइंट फोर सेंटीमीटर और यही दोनों हमारे आंसर्स हैं नोमरिकल टू अ पर्सन ऑन द सी शोर बंदा खड़ा हुआ है सी शोर के ऊपर ही ऑब्जर्वस दैट फोर्टी एट वेव्स रीच द शोर इन वन मिनट इफ द वेव लेंथ ऑफ फाइंड द फाइंडी ऑफ द वेव्स तो गिवन हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी गिवन है f इज इक्वल टू फोर्टी एट वेव्स पर वन मिनट वन मिनट में कितने सेकंड होते हैं सिक्सटी सेकंड तो फोर्टी एट डिवाइड बाई सिक्सटी इज इक्वल टू पॉइंट एट हर्ट्स वेव लेंथ लेमडा टेन है ऑलरेडी एस आई यूनिट में गिवन है तो हमने मालूम करनी है वेलोसिटी वी सिंपल जो है वेव इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू तो एफ लेमडा वैल्यूज डालेंगे पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई टेन आंसर आ जाएगा एट मीटर पर सेकेंड नंबरिकल थ्री

और वेवलेंथ हमने मालूम करनी है बहुत आसान है सिंपल वेव इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा हमें लेमडा चाहिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी लेमडा इज इक्वल टू वी ओ एफ अब वी और एफ की हमें वैल्यूज मालूम है पुट इन कर देते हैं थ्री पॉइंट फाइव डिवाइड बाई फिफ्टी आंसर आ जाएगा पॉइंट जीरो सेवन ये मीटर्स में है बहुत छोटी वेव लेंथ नजर आ रही है तो इसको सेंटीमीटर्स में कर देते हैं सेवन सेंटीमीटर्स नोमरिकल फोर अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार ये गिटार है इसकी स्ट्रिंग वन पॉइंट थ्री मीटर लॉन्ग है वाइब्रेट्स विथ फोर नोड्स, टू एफ दम एट द टू एंडस यानी कि जो इसकी टू नोड्स हैं वो साइडों पर अगर सिर्फ टू नोड्स हों तो फिर कितने लूप होते हैं वैसे इसमें एक लूप बनेगा अगर टू नोड्स साइडों पे हों एक नोड सेंटर में कर लें तो फिर कितने लूप बनेंगे टू लूप्स बनेंगे लेकिन क्वेश्चन में क्या है टोटल फोर नोट हैं जिसमें दो साइडों पर दो साइडों पर और दो बीच में हों तो फिर कितने लूप बनेंगे टोटल थ्री लूप्स बनेंगे मीन्स इट इज़ थर्ड हारमोनिक आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फाइंड द वेव एंड स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग इफ़ इट वाइब्रेट्स एट 500 हंड्रेड हर्ट्स यानी फ्रीक्वेंसी जो है थर्ड हारमोनिक की है 500 हंड्रेड हर्ट तो गिवन हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1.3 पॉइंट थ्री मीटर नंबर ऑफ मोड्स नोड्स कैपिटल एन से फोर डिनोट कर दिया नंबर ऑफ लूप स्मॉल एन से डिनोट किया कैपिटल एन में माइनस वन इज इक्वल टू थ्री फ्रिक्वेंसी कितनी है फाइव हंड्रेड हर्ट वेव लेंथ मालूम करनी है और स्पीड ऑफ वेव मालूम करनी है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आपको पता है कि टू लूप्स बराबर होते हैं एक वेव लेंथ की क्योंकि इसके अंदर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ़ होता है और नोट टू नोट डिस्टेंस कितना होता है एक हाफ लेमडा या लेमटा बाई टू और एन ओ टू एन वो भी लेमटा बाई टू और नोट टू एन वो लेमडा बाई फोर यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो है एन टाइम्स लेमटा बाय टू और आ, किस फार्मूले के अंदर एन कितना है टोटल नंबर ऑफ लूप कितने हैं थ्री यानी थ्री लेमडा बाई टू अगर आप फार्मूले को ना भी याद रखें फिर भी आप देखें स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है देखें ये एक लेमडा बाई टू है ये दूसरा लेमडा बाई टू है और यहाँ से यहाँ तक नोट टू नोट थ्री लेमडा बाई टू है तो थ्री लेमडा बाई टू इससे अगर हम लोगों ने लेमडा निकालना हो तो टू उधर चला जाएगा टू एल बाई थ्री या टू बाई थ्री एल इसमें अगर वैल्यू डाल दें एल की वन पॉइंट थ्री तो अब हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट एट सिक्स सिक्स मीटर ये है वेवलेंथ जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है फिर हमने पूछ हमें निकालनी है स्पीड की आ, वेव की स्पीड तो ये वेव इक्वेशन है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा इसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और लेमडा हमने यहाँ निकाली है दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है फोर थर्टी थ्री मीटर पर सेकेंड और दोनों हमारे आंसर बुक से मैच कर रहे हैं नुमेरिकल फाइव अटेंशन ऑफ फोर हंड्रेड न्यूटन कॉज अ थ्री हंड्रेड ग्राम वायर ऑफ लेंथ वन पॉइंट सिक्स मीटर टू वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्टी हर्ट्स वट इज द वेव लेंथ ऑफ द ट्रांसफर्स वेव्स कुछ इस तरफ का अरेंजमेंट होगा जिसके अंदर एक वायर जारी होगी और इसके ऊपर एक वेट लटका हुआ होगा जिसके नतीजे में टेंशन क्रिएट हो रही होगी स्ट्रिंग में 400 न्यूटन की जो वायर की लेंथ है वो 1.6 मीटर है और इसका जो मास है वो है 300 हंड्रेड ग्राम्स फ्रिक्वेंसी अगर 40 हर्ट्ज़ इसके अंदर जनरेट हो रही हो यानी 40 पल्सेस पर सेकेंड तो बताएं इसकी वेव क्या होगी ये हमारा सवाल है तो गिवन हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है मास ऑफ स्ट्रिंग इसको कैपिटल एम से लिख रहा हूँ क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ अगर हो ऐसे क्वेश्चन में तो उसको स्मॉल एम लिखते हैं तो मास ऑफ स्ट्रिंग गिवन है थ्री ग्राम इसको के में कर देते हैं ताकि ऐसा यूनिट में आ जाए तो वो हो जाएगा पॉइंट थ्री टेंशन इंस्ट्रिंग गिवन है न्यूटन में फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेव मालूम करनी है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर वेव आती है वेव इक्वेशन के अंदर v इज ईक्वल टू एफ लेमडा यहाँ से अगर हमने लेमडा निकालना हो तो लेमडा इज इक्वल टू वी ओ आर अब v वेलोसिटी की हमारे पास नहीं है वैल्यू तो वो कैसे निकालेंगे जब भी ऐसी कंडीशन हो तो न्यूटन ने एक फार्मूला बताया था वी इज इक्वल टू अंडर द रूट टी इन एल ओ एम अगर टेंशन भी गिवन हो लेंथ भी गिवन हो और मास भी गिवन हो अगर मास पर यूनिट लेंथ गिवन हो जो कि इस तरीके से कैपिटल एम और कैपिटल एल से निकाली भी जा सकती है तो तब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इस वक्त चूंकि हमें टेंशन भी गिवन है लेंथ भी गिवन है मास भी गिवन है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो वीर इक्वल टू अंडर द रूट टेंशन इन टू लेंथ डिवाइड बाई मास इनकी वैल्यूज पुट इन कर देते हैं फोर हंड्रेड्रेड्रेड्रेड मल्टीप्लाई बाई वॉइंट सिक्स डिवाइड बाई पॉइंट थ्री इससे वैल्यू आ जाएगी टू थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट ट्रू पॉइंट थ्री स्क्वेयर रूट लेंगे तो फोर्टी सिक्स पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अब हम इसको इसमें इक्वेशन में डालते हैं तो फोर्टी सिक्स पॉइंट टू डिवाइड बाई फोर्टी वन पॉइंट वन फाइव मीटर इसका आंसर आ जाएगा ये है वेव लेंथ हमारे पास न्यूमेरिकल सिक्स कंपेयर द थ्योरेटिकल स्पीड्स ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन विद हीलियम एट ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड ये देखें एक हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है और ये हीलियम गैस का सिलेंडर है हाइड्रोजन का मोलर मास हमें मालूम है और एडियाबैटिक इंडेक्स मालूम है एडियाबैटिक एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ना एनर्जी अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है इसी तरह हीलियम गैस का भाई मोलर मास किवन है और एडियाबैटिक इंडेक्स हमें किवन है इसके अलावा जनरल गैस कॉन्स्टेंट आर हमें मालूम है किवन हमारे पास जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन मोलर मास ऑफ हीलियम हीडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ हीलियम और जनरल गैस कांस्टेंट आर और टेम्परेचर ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड इसको कैलविन में कन्वर्ट करेंगे तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो एबसलूट वो है टू सेवेंटी थ्री कैलविन हो जाता है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस मालूम करनी है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम गैस मालूम करनी है सलूशन की तरफ चलते हैं इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो है वी इज इक्वल टू अंडर द रूट गेमा आर टी ओर एम ये कैसे आया ये मैं इस न्यूमेरिकल के एंड पे समझाऊंगा ताकि जिन बच्चों को पता है उनका टाइम ना जाए और जिनको नहीं पता उनको समझ भी आ जाए तो इसी फार्मूले को जब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के लिए लिखेंगे तो जहाँ जहाँ पे गैमा और जहाँ जहाँ पे एम है वहाँ पर साथ में स्माल एच लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये हाइड्रोजन के लिए है और जहाँ जहाँ पे हीलियम का है वहाँ पे गैमा के साथ स्मॉल हीलियम और स्मॉल मोलर मैस के साथ भी स्मॉल हीलियम लिख देते हैं जगह थोड़ी सी क्लियर करते हैं और हमने इन दोनों को कंपेयर करना है यानी वी एच और वी एच ई निकालना है तो इन दोनों को आगे राइट साइड पर लिख लेते हैं ऊपर हाइड्रोजन का और नीचे हीलियम का दोनों में कॉमन क्या चीज़ है आर टी आर टी वो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी अब क्या होएगा और ये जो मोलर मास ऑफ हीलियम है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो ये जब ऊपर जाएगा तो न्यूमिनेटर के ऊपर चला जाएगा तो ईद इक्वल टू अंडर द रूट गैमाश डि इन टू मोलर मास ऑफ हीलियम ये ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय ये देखें नीचे ये बच चुका है गैमा इन ही, हीम अंडर द रूट और ये जो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन है ये नीचे आ जाएगा तो इस तरह की सिचुएशन बन गई और इसको हम लोग वैल्यूज़ अगर डालें तो गैमा एच की वैल्यू 1.4 पॉइंट एम एच ई की वैल्यू 4.0 और नीचे इसी तरह 1.66 पॉइंट सिक्स जो वैल्यूज हैं वो एक्जैक्टली उसमें डाल दिए हैं इनको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो ऊपर आ जाती है वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वेयर रूट लिया तो 2.37 इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वेयर रूट लेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाती है वन यानी कि वेलोसिटी ऑफ़ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री टाइम्स वेलोसिटी ऑफ हीलियम ठीक है और यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम और अगर इसको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम हम लोगों ने मेजर करनी है ईद इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1.3 जो कि हो जाती है 0.7 ठीक है नोमेरिकल तो कम्प्लीट हो गया पर यह फार्मूला कहाँ से आया ये मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड में पढ़ा चुका हूँ थोड़ा सा रिपीट करा दूँ आप बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वन टेम्परेचर इज़ फिक्स्ड तो ये इस तस्वीर समझें कि जब प्रेशर P1 है और इस टाइम पे वॉल्यूम V1 है जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर P2 हो गया फर्ज करें और वॉल्यूम क्या हो गया कम होके V2 हो गया P1 V1 वी वन इज़ इक्वल टू पी टू वी टू अगर टेम्परेचर कॉन्सटेंट ना हो और उसको भी इक्वेशन में आना पड़ जाए तो ऐसे में साइंटिस्ट ने एक जनरल गैस कॉन्सटेंट आर ढूँढा तो अब ये इक्वेशन हो गई पी वी इज़ इक्वल टू आर टी जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि वी इज़ इक्वल टू आर टी ओ पी हमें तो इंटरेस्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड में देखें डेंसिटी होती है इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर यूनिट डेंसिटी यानी ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम बराबर हुआ इसलिए इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हुई तो हम उनको यू इक्वल लिख देते हैं यहाँ से अब हम डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं पी एम ओवर आर टी अब इस डेंसिटी की वैल्यू को हम अपनी वेलोसिटी की इक्वेशन में यूज़ करते हैं ऐसी इक्वेशन बनेगी अब P और P कैंसल आउट हो जाएंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आर टी ऊपर नोमिनेटर में आ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला अब कुछ इस तरह नज़र आएगा जिसमें कोई P यानी प्रेशर नहीं है लिहाजा प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड ये हमारे फार्मूला की शक्ल है जो नोमरिकल में हमने यूज़ की है नोमरिकल सेवन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इज थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड वट विल भी द स्पीड ऑफ साउंड एट ट्वेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्पीड ऑफ साउंड वी ओ या वी जीरो कह देते हैं जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड और वी एट ट्वेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा यह उन्होंने सवाल किया है तो गवन हमारे पास क्या स्पीड ऑफ साउंड एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड उसको वी जीरो कह देते हैं थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड इंक्रीज टेम्परेचर टेम्परेचर कितना बढ़ा है ट्वेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है और स्पीड ऑफ साउंड उस 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी ये सवाल है सोलूशन की तरफ चलने से पहले एक बात समझ लें हर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर पर कितना स्पीड बढ़ जाता है साउंड का 0.61 मीटर पर सेकंड एक और डिग्री बढ़ेगा तो 0.61 और बढ़ जाएगा एक और डिग्री बढ़ेगा तो 0.61 और बढ़ जाएगा इस लिहाज से आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए v इज़ इक्वल टू वी वालासटी एट ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जितने डिग्री बढ़ा उतना मल्टीप्लाई बाय 0.61 तो हमारे केस में देख लें स्पीड ऑफ साउंड एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तो यूनिवर्सल है थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकंड प्लस पॉइंट सिक्स वन को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है कितने डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ है टेम्परेचर ये हुआ है ट्वेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड तो ट्वेंटी टू से मल्टीप्लाई किया अब थ्री थर्टी टू प्लस पॉइंट सिक्स वन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू से वैल्यू आई थर्टीन पॉइंट फोर टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा थ्री फोर्टी फाइव पॉइंट फोर टू मीटर पर सेकेंड यानी 22 टू डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ इन टेम्परेचर से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो तकरीबन 13 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हुई है इससे आप वैसे नोमेरिकल्स के लिए भी याद रखें कि टेम्परेचर इंक्रीज़ के साथ स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करती है क्वेश्चन नंबर एट टू ट्यूनिंग फोर्क्स पी एंड क्यू एक ट्यूनिंग फोर्स पी है और ये क्यू है गिव फोर बीट्स पर सेकेंड यानी एन फोर है ऑन लोडिंग क्यू लाइटली विथ वैक्स थोड़ी सी इसको वैक्स लगा दें तो ये हैवी हो जाएगा एंड वी गेट थ्री बीट्स पर सेकेंड वट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू बिफोर बिफोर कॉम एफ क्यू कह देते हैं एंड आफ्टर लोडिंग एफ क्यू प्राइम कह देते हैं इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इज़ फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व हर्ड्स तो इसका गिवन और सोल्यूशन लिखने से पहले आपने अपने रफ्ट साइड पर एक छोटा सा सोल्यूशन करने की कोशिश करनी है देखें अगर एफ क्यू हम लोग ले लेंगे कि फाइव हंड्रेड एंड एट है तो तब फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व माइनस फाइव हंड्रेड एंड एट से हमारे पास आ जाएगा फोर और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हम लोग ले लें एफ क्यू को फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन तो इस सूरत में फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन माइनस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व आ जाएगा फोर ठीक है तो या तो फाइव हंड्रेड एंड एट या फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन दोनों केसेज में अभी तक तो ठीक लग रहा है लेकिन जब लोड कर देते हैं तो एफ़ क्यू की वैल्यू कम हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो ये कम हो गया फाइव हंड्रेड एंड सेवन हो जाएगी तो ऐसी सूरत में फाइव हंड्रेड एंड माइनस फाइव हंड्रेड एंड सेवन क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड टेल्व माइनस फाइव हंड्रेड एंड सेवन फाइव हो जाता है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है लहजा ये कंडीशन नहीं होगी और इसको जब लोड किया था तो फाइव हंड्रेड एंड क्यों है? कम होनी होती है तो एफ़ फाइव हंड्रेड एंड माइनस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व थ्री आ जाता है तो ये वाली कंडीशन सही है लहदा फाइव हंड्रेड एंड एट वाली कंडीशन ख़राब है तो ये वाले हमारे दो ऑप्शन गलत हैं इन दो ऑप्शनस के ऊपर अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा गिवन सबसे पहले आप लिख लें आप बीट्स ऑफ तो फोर, फोर पी एंड क्यू एन इक्वल टू फोर बीट्स ऑफ फोर पी एंड क्यू लोडेड एन प्राइम कह देते हैं उसको ये थ्री है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर पी एफ़ पी फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व फ्रिक्वेंसी ऑफ़ फोर क्यू एफ क्यू फाइंड करनी तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडेड फोर क्यू एफ क्यू प्राइम मालूम करनी है सोलूशन की तरफ तो चलते हैं तो बस यही दो जो इक्वेशन हम लोगों ने पहले निकाली हैं वो लिखनी होगी एफ क्यू माइनस एफ पी इज इक्वल टू एन एफ क्यू माइनस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर एफ क्यू इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व और एफ क्यू इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन हर्ट्स दूसरी ये वाली इक्वेशन ऊपर ले आए एफ़ क्यू प्राइम माइनस एफ पी इज इक्वल टू एन प्राइम इसमें अभी हम लोग एफ क्यू प्राइम माइनस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री एफ क्यू प्राइम इज इक्वल टू ये फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व उधर गया तो प्लस हो गया थ्री प्लस फाइव हंड ट्वेल तो एफ क्यू प्राइम की वैल्यू आगी फाइव हंड्रेड्रेड्रेड्रैंड फिफ्टीन हर्ड तो ये हमारा आंसर है नमेरिकल नाइन ऑन अ सनी डे द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड टू टूनिंग फोर्क्स ए एंड बी आर साउंडेड साइमल्टियसली द वेव ऑफ द फाइव मीटर

वेवलेंथ ऑफ ऑफ बी गिवन है लेमडा बी नंबर ऑफ बीट्स कैपिटल एन मालूम करनी है सोलूशन की तरफ चलते हैं बीट्स कैसे मालूम की जाती हैं इट इज़ डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी वेवलेंथ से हमने फ्रीकवेंसी मालूम करनी है और वो हमें मिलेगी वेव इक्वेशन से वी इज इक्वल टू एफ लेमडा बारी बारी दोनों वेव से फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं तो एफ ऑफ ए होगी एफ एज इज इक्वल टू वी बाई लेमडा ए बी कॉमन है थ्री फोटी और डिवाइडेड बाय लेमडा ए वन पॉइंट फाइव तो इससे हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आ गई टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स हर्ड्स फ्रिक्वेंसी ऑफ़ बी मालूम करनी है तो वी डिवाइडेड बाय लेमडा बी यानी थ्री फोर्टी डिवाइड बाई वन पॉइंट सिक्स एट और टू हंड्रेड एंड टू पॉइंट थ्री एट हर्ड्स आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी अब इनका डिफरेंस लेना है तो लेकिन याद रखें एन मस्ट बी पॉजिटिव नंबर ऑफ बीट्स पॉजिटिव होनी चाहिए तो जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको पहले लिखेंगे उसको अब देखेंगे क्या है एन इज़ इक्वल टू एफ ए माइनस एफ़ बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ज्यादा है उसको पहले लिख लेंगे टू ट्वेंटी माइनस टू हंड्रेड एंड टू पॉइंट थ्री एट डिफ्रेंस इज ट्वेंटी फोर पॉइंट टू एट बीट पर सेकेंड यानी अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फोर बीट्स पर सेकेंड मिलेंगे आपको नमेरिकल टेन साउंड सोर्स वाइब्रेट्स एट टू हंड्रेड हर्स एंड इज रिसीडिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट मीटर पर सेकंड यानी दूर जा रहा है स्टेशनरी uh, ऑब्जर्वर से तो ये हमारा सेकेंड सीनेरियो है डॉप्टर का और वो क्या होता है कि लिसनर स्टैटिक है एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्राम लिसनर आगे पढ़ते हैं इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज थ्री थर्टी वन मीटर सेकेंड दैन वट फ्रीक्वेंसी डज द ऑब्ज़रवर हीयर के ऑब्जर्वर को क्या फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है तो ये एक एम्बुलेंस है जो कि साउंड सोर्स है और इसकी फ्रीकवेंसी जो हॉर्न या साइरन की है वो टू हंड्रेड हर्ट्स की इसकी फ्रिक्वेंसी है जबकि ये स्टेटिक ऑब्ज़रवर है बंदी है एक जो एम्बुलेंस की स्पीड है वह है एटीन मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है वह थ्री थर्टी वन मीटर पर सेकेंड की वन है तो इस खातून को या बंदी को जो है ना क्या फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी देखें फ्रीक्वेंसी जब गाड़ी दूर जा रही हो एम्बुलेंस साउंडिंग सोर्स दूर जा रही हो तो स्टैटिक ऑब्ज़र्वर को फ्रीक्वेंसी कम होती हुई दिखाई दे रही होगी वेव्स आराम आराम से इस तक आ रही होंगे जबकि दूसरी तरफ जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यानी कि जो ऑब्ज़र्वर को नज़र आ रही है वो फ्रीक्वेंसी कम होती हुई दिखाई दे रही है इसके ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर बना चुका हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरी प्ले में ये एफ़ प्राइम या एफ ऑब्जर्व जो है वो उसका फार्मूला इन कंपैरिजन टू एफ़ एक्चुअल जो है वो क्या होगा वी डिवाइडेड बाय वी और तब्दीली कहाँ आनी चाहिए देखें ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी कि गाड़ी हमेशा नीचे होती है बंदा या बंदी उसके ऊपर होते हैं तो देखें अगर गाड़ी जब मूव कर रही होगी या एम्बुलेंस मूव कर रही होगी तो इक्वेशन के निचले हिस्से में तब्दीली आएगी और अगर बंदा या बंदी मूव कर रहे होंगे अपनी जगह से तो इक्वेशन के ऊपर वाले हिस्से में तब्दीली आएगी यहाँ क्या चीज़ मूव कर रही है यहाँ एम्बुलेंस मूव कर रही है यानी कि निचले हिस्से में तब्दीली आएगी और वो तब्दीली क्या है एम्बुलेंस की स्पीड तो वो हम लोगों ने यहाँ पे ए लिख लिया अब देख लें कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है कम हो रही है रिड्यूस होनी होती है ऐसी सिचुएशन में तो इसकी ये वाली वैल्यू यानी कि कम होनी चाहिए और ये कम होने के लिए ज़रूरी है कि ऊपर वैल्यू छोटी हो नीचे वैल्यू बड़ी हो तो बड़ी किस तरीके से करेंगे प्लस करेंगे माइनस करेंगे बड़ी करने के लिए इसको प्लस करेंगे वी प्लस ए करेंगे तो ये देखें आपका क्वेश्चन का जो फार्मूला है वो तो आपके सामने आ गया है अभी गिवन लिख लेते हैं हमारे पास स्पीड ऑफ़ साउंड गिवन है स्पीड ऑफ सोर्स यानी एम्बुलेंस गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स एफ गिवन है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वैन एम्बुलेंस इज़ रिसीडिंग यानी गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो वो एफ प्राइम हमने लिखा हुआ है सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ है वही फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं वी डिवाइडेड बाई वी माइनस नहीं वी प्लस ए इंटू एफ इसमें वैल्यूज डालते हैं वी की वैल्यू थ्री थर्टी वन नीचे थ्री थर्टी वन प्लस एटीन और मल्टीप्लाई बाय टू हंड्रेड ऊपर थ्री थर्टी वन ही रहेगा नीचे हो जाएगा थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाय टू हंड्रेड इसको कैलकुलेटर की से तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन एटी नाइन पॉइंट सिक्स एट नमेरिकल एलेवन सपोज अ ट्रेन देट हैज हॉर्न वन फिफ्टी हर्डज इज़ मूविंग एट थर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड इन स्टिल एयर ऑन अ डेव एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड वट फ्रीकुवेंसीज आर ऑब्जर्व बाई अ स्टेशनरी पर्सन ये स्टेशनरी पर्सन है ये क्या फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा एट द साइड ऑफ अ ट्रैक एज द ट्रेन अप्रोचेज तो उसको हम एफ प्राइम कह देते हैं एंड आफ्टर इट पासिस उसको हम एफ डबल प्राइम कह देते हैं और अगला पार्ट है कि वट फ्रिक्वेंसी इज ऑब्जर्व बाई द ट्रेन इंजीनियर ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन के ट्रेन के अंदर एक इंजीनियर भी बैठा हुआ है वो क्या क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा तो गिवन हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ साउंड गिवन है स्पीड ऑफ ट्रेन उसको हम ए कह देते हैं क्योंकि पिछली एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने एम्बुलेंस को भी एक आवा था फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स कह देते हैं और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन ट्रेन अप्रोचेज एफ प्राइम है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन ट्रेन पासेज उसको एफ डबल प्राइम कह देते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ट्रेन इंजीनियर एफ़ ट्रिपल प्राइम प्राइम उसका नाम दे देते हैं सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोगों ने फार्मूलाज पिछले क्वेश्चन में भी रिवाइज़ किए थे और एक प्रॉपर इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका गिवन है कि कैसे आपको याद रह सकते हैं कि जब ट्रेन पास आ रही हो तो उसका फार्मूला होता है एफ प्राइम इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी माइनस ए इंटू एफ अब ये आप थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज भी करा लेता हूँ देखें जब ट्रेन करीब आ रही है तो इसको फ्रिक्वेंसी इनक्रीज मालूम हो रही है तो इस इंक्रीज uh, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए एज़ कंपेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो इसकी थी ट्रेन की तो यहाँ पे एक इंक्रीज नंबर होना चाहिए जो कि एफ़ से मल्टीप्लाई हो ताकि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही हो इसको अब ये इस नंबर के इंक्रीज होने के लिए ज़रूरी है कि न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए ऊपर और नीचे वी वी तो हमने लिखा वही था डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए हम लोग वी में से क्या माइनस कर देते हैं ट्रेन की जो स्पीड होती है तो ये नंबर छोटा हो जाता है इसी तरह जब यहाँ से ये आगे जाने लगती है तो मूव क्या चीज़ कर रही है ट्रेन ही तो इक्वेशन में हमारे निचले हिस्से में ही तब्दीली आएगी और चूंकि ओवरऑल फ्रिक्वेंसी जो इसको नज़र आ रही होगी वो कम हो रही होगी क्योंकि ट्रेन अब दूर जा रही है तो ये नंबर छोटा होना होगा छोटा होने के लिए ज़रूरी है ऊपर का नंबर छोटा हो और नीचे का नंबर बड़ा होता अब यह नंबर छोटा बनेगा तो इस नंबर को बड़ा करने के लिए हम ए को वी के साथ प्लस कर देते हैं बस इतनी सी बात है अब इसमें हम लोगों ने वैल्यूज डालनी है तो पहले इसमें डाल देते हैं वी की वैल्यू क्या है थ्री फोर्टी और नीचे थ्री फोर्टी माइनस ए की वैल्यू है थर्टी फाइव और फ्रीक्वेंसी है वन फिफ्टी हर्ट्स इसको सॉल्व करेंगे थ्री फोर्टी डिवाइडेड बाय थ्री हंड्रेड एंड फाइव मल्टीप्लाई बाय वन फिफ्टी कैल्कुलेटर से सॉल्व किया आंसर आया वन सिक्सटी सेवन पॉइंट टू हर्ट्स यानी जब इसके पास आ रही थी ट्रेन तो इसको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ मालूम हुई ओरिजिनली तो 150 थी इसको 167 सुनाई दे रही थी जब दूर जाती है तो अभी कम होना है अभी देखें 340 डिवाइडेड बाय 340 हंड्रेड एंड फोर्टी प्लस थर्टी फाइव इसको सॉल्व करेंगे ऊपर तो 340 रहा और नीचे आ गया 375 हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाईन कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 136 अभी दूर जा रही है रिसीडिंग है तो फ्रीक्वेंसी जब दो चीज़ें आपस में दूर हो रही हैं तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है इसको तो 136 थर्टी सिक्स हर्ड्स औरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम है अब ये एक इंजीनियर भाई साहब जो अंदर बैठे हुए हैं इनको क्या सुनाई देगी उनको हमने नाम दिया था ट्रिपल प्राइम जरा सोचें क्या महसूस होना चाहिए क्या कोई रिलेटिव मोशन है ट्रेन का और बंदे का नहीं उसी के अंदर ही बैठा हुआ उसी स्पीड से जा रहा है तो इसको औरिजिनल फ्रीकवेंसी वन फिफ्टी के बराबर ही सुनाई देगी होगी क्यों बिकॉज हि स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन स्पीड देर इज नो रेलेटिव मोशन अमेरिकल ट्वेल्व द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज पाइप थ्री पॉइंट सिक्स मीटर लेंथ देखें ये फर्स्ट ओवरटोन की बात हो रही है यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो और होती है ये फर्स्ट ओवरटोन है वाट इज द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप अभी देखें ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है और ये इसकी फ़ंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जो जा अब जारी बात ओपन ऑर्गन पाइप है इसके दोनों एंड्स क्लोज नहीं हैं तो जब क्लोज़ नहीं है तो, तो वहाँ पर नोड नहीं हो सकता तो नोड बीच में होगा इस साइड पर एंटी नोड्स होंगे इसी तरह जो क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऐसी होती है कि उसके क्लोज एंड पे चूँकि क्लोज़ है तो यहाँ पे नोड बनेगा और ओपन एंड पे ए नोड बनेंगे ठीक है अब इसकी जो फर्स्ट ओवर टोन आएगी उसमें एक अदद लूप शामिल हो जाएगा ये एक अदद लूप इसमें ऐड हो गया है और क्लोज वाले के अंदर भी एक अदद लूप शामिल होगा तो वो इस साइड पे होगा ताकि नोड क्लोज एंड पे ही आए तो ये है आ, क्या कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप और यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इसको हमने एफ़ सी से डिनोट कर दिया अभी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप हम लोग एफ़ वन ओ कह देते हैं और फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप को मैं कह देता हूँ एफ वन सी तो वो कह रहे हैं ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जो है ना ये बराबर हैं अब इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि अगर इसकी लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप थ्री पॉइंट सिक्स मीटर है तो बताएँ कि लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप कितनी होगी आसान सा सवाल है इसमें गिवन क्या है हमें के फंडामेंटल फर्स्ट ओवर टोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवर टोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 3.6 मीटर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप बहुत आसान है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हमारे पास फार्मूला जो है वेव इक्वेशन का वो क्या है वी इज इक्वल टू एफ़ लेमडा वहाँ से हम लोग जो है इस साइड वाले के लिए भी निकाल लेते हैं एफ़ इज़ इक्वल टू वी ओवर लेमडा और राइट साइड वाले के लिए भी लिख लेंगे वी ओवर लेमडा मतलब ये तो हमें गिवन था इससे वी ओवर लेमडा हम करेंगे तो वी ओवर लेमडा ऑफ वेव लेंथ जो है फर्स्ट ओवर टोन के दौरान आ रही होगी वो इज इक्वल टू वी ओवर वेव लेंथ ऑफ फ्रिक्वेंसी इन क्लोज पाइप फॉर फर्स्ट ओवर टन ओवर टोन अब यहाँ पे देखिए हमने एक चीज़ सीखी हुई है कि टू लूप्स बराबर होते हैं लेमडा के यानी वेव जो है ना उसके अंदर टू लूप्स होते हैं अगर एक लूप हो जिस तरह यहां पे नज़र आ रहा है तो इस एक लूप की होगी नोड टू नोड डिस्टेंस ये होता है लेमडा बाई टू और अगर एनोड टू एनोड हो किसी जगह पे तो वो कितना होता है फासला वो भी लेमडा बाई टू होता है जिस तरह नोड टू नोड लेमडा बाई टू है इसी तरह एनोड टू एनोड भी लेमडा बाई टू होता है और एक और चीज़ है नोड टू एनोड नोड टू एनोड का फासला होता है लेमडा बाय फोर बड़ा ऑबियस है देखें यहाँ से नोट टू नोट अगर लेमडा बाई टू है तो नोट टू एनोड कितना होगा लेमडा बाई फोर अब यहाँ से हम अपनी इस वेव की अगर लेंथ मैयर करना शुरू करें तो देखें एक लूप की लेंथ कितनी होगी लेमडा बाई टू और एक नोट टू एनोड लेमडा बाई फोर है और एक ये भी लेमडा बाई फोर है तो लेमडा बाई फोर प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई फोर करें तो एक लेमडा बन जाता है और चूँकि ये फर्स्ट ओवर टोन के तो हम लेमडा वन ज़ीरो लिख देते हैं इसके केस में देखें ये एक है लेमडा बाई टू क्योंकि एक लूप है और ये नोट टू ए नोट कितना हो गया लेमडा बाई फोर तो लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाय फोर इज इक्वल टू थ्री बाय फोर लेमडा या थ्री लेमडा बाई फोर ठीक है थ्री बाई फोर लेमडा लेमडा वन सी क्यों लिख दिए क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन है फॉर क्लोज पाइप उसकी वेव लेंथ अब देखें इसकी जो लेंथ है लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू पूरी लमडा वन नॉट के इक्वल है और यहाँ पे लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप किस लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप बराबर है किसके थ्री बाई फोर लेमडा वन सी के अब यहाँ से हम लोगों निकाल लेते हैं लेमडा वन सी क्योंकि हमें लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप मालूम है क्या है थ्री पॉइंट सिक्स तो वो हम लिखते हैं लेमडा वन सी निकालना है तो फोर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप डिवाइडेड बाय थ्री नीचे आ जाएगा इसमें वैल्यू स्पुटिंग करेंगे फोर डिवाइड बाई थ्री इंटू थ्री पॉइंट सिक्स आ गया फोर पॉइंट एट मीटर यानी लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप हमारे पास क्या आई है थ्री पॉइंट फोर पॉइंट एट मीटर याद रखें ये वाले सवाल सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकते हैं प्रैक्टिस करें एक दफ़ा आपको ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी अब ये फोर पॉइंट एट मीटर है तो हम लोग इस इक्वेशन में कहाँ किस चीज़ को डाल सकते हैं लेमटा वन नॉट तो हमारे पास नहीं की वन तो ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज आ जाएगी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट एट तो ऊपर वाली तो सेम है और नीचे वाली भी सेम होंगी तभी ये इक्वल हो सकता है तो ये आप देखें लेमडा वन जीरो यानी वेव लेंथ फर्स्ट फॉर फर्स्ट ओवर टोन इन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू वेव वेव लेंथ ऑफ फर्स्ट ओवर टोन इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप तो यहाँ पे ये फोर पॉइंट एट की इक्वल है तो लेमडा वन नॉट की जगह हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन में फोर पॉइंट एट तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फोर पॉइंट एट मीटर मैं जानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल सवाल है लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह आपको बड़ी समझ आ जाएगी नमेरिकल थर्टीन वट लेंथ ऑफ ओपन पाइप विल प्रोड्यूस ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड हर्ड्स एज इट्स फर्स्ट ओवरटोन ऑन अ डे वैन द स्पीड ऑफ साउंड इज थ्री फोटी मीटर पर सेकेंड देखिए एक होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिर उसके बाद होती है फर्स्ट ओवरटोन फिर सेकेंड ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हो ओपन पाइप के अंदर तो उसमें देखें चूँकि ओपन पाइप है लेना साइडों पर क्या होगा नोड नहीं आ सकती साइडों पर एंटी नोड होगा और चूँकि फंडामेंटल है तो पहले बस सिर्फ बीच में कोई एक्स्ट्रा लूप नहीं होगा बस यहाँ से एंटी नोड से अंदर आई नोड की तरफ फिर ऊपर बढ़ के एंटी नोड बन गया एंड के ऊपर दो तो जो फर्स्ट ओवरटोन होगी उसमें यहाँ पे एक लूप ऐड हो जाएगा और यहाँ फ्रीक्वेंसी ये बता रहे हैं ट्वेल्व हंड्रेड हर्ड्स है फर्स्ट ओवरटोन पर और स्पीड ऑफ साउंड इन्होंने कह दिया थी फोर्टी मीटर पर सेकेंड है मालूम हमने करनी है लेंथ ऑफ द ओपन पाइप तो गिवन हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी है स्पीड ऑफ साउंड है लेंथ हमने मालूम करनी है सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं सबसे पहले देखिए मैंने आपको चार चीज़ें काफ़ी बार समझाई हुई हैं कि टू लूप्स आर इक्वल टू अ वेव लेंथ टू लूप्स इज इक्वल टू लेमडा तो इससे ये पता लगेगा कि अभी नोट टू नोट जो कि एक लूप है वो कितना होगा लेमडा बाई टू इसी तरह एंटी नोड टू एंटी नोड ये एंटी नोड है ये एंटी नोड है एंटी नोड टू एंटी नोड भी क्या है लेमडा बाई टू नोट टू नोड भी क्या है लेमडा बाई टू और नोड टू एंटी नोड क्या होगा फिर ऑब्वियस ही चीज़ है यहाँ से देखें नोड टू एंटी नोड अगर ये लेमडा बाई टू है तो नोड टू एंटी नोड लेमडा बाय फोर होगा अब हमारे पास जो लेंथ है पाइप की इसके अंदर देखा जाए यहाँ से अगर एक वेव शुरू हो रही है तो पहले ऊपर टॉप पे गई फिर नीचे यानी एक कंप्लीट वेवलेंथ तो मौजूद है लेकिन इसको मैयर करते हैं देखें नोट टू नोट का फासला कितना है लेमडा बाय टू या एक लूप को भी ये कह सकते हैं लेमडा बाई टू है नोट टू एंटी नोड कितना है लेमडा बाय फोर ये नोट टू एंटी नोट लेमडा बाय फोर अब देखें ये पूरी एक वेव बन रही है या नहीं लेमडा बाई टू यानी आधी वेव लेंथ क्वार्टर वेव लेंथ और क्वार्टर वेव लेंथ टोटल मिल के एक लेमडा बन रहा है तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू लेमडा एट फर्स्ट ओवर टॉन तो ये हमें पता लग गया और लेमडा हमें मालूम हो, हो, होना है और फ्रिकवेंसी और लॉस्टी ये वेव इक्वेशन का हिस्सा होता है वी इज़ इक्वल टू एफ़ लेमडा यहाँ से हम लोग लेमडा की वैल्यू निकालते हैं और फाइनली वो एल के इक्वल होगी लमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ़ वी की वैल्यू है थ्री फोटी एफ़ की वैल्यू ट्वेल्व हंड्रेड इसको कैलकुलेटर से किया है तो पॉइंट टू एट थ्री थ्री मीटर बहुत छोटा है ज़्यादा सेंटीमीटर में कर लेते हैं ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर वेव लेंथ है और इस केस में फर्स्ट टोन के केस में हमने देखा है कि लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू इट्स वेव लेंथ तो वेव लेंथ को हम लोग लेंथ के इक्वल लिखेंगे तो लेंथ ऑफ द पाइप इज ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर